दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विथ मॉम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ के वेट के बारे में। जी हाँ, उनका बर्थ वेट, उनका लो वेट ड्यूरिंग बर्थ, उनका वेट किस तरह से बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, ये पूरा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हमारी माही जो है, मेरी छोटी बेटी, वो ऑलरेडी 2 महीने की हो चुकी है। एंड उसमें मैं जो जो चीज़ें नोटिस करती हूँ, जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ, वो सारी बातें मैं आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करती रहती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूबॉर्न बेबी के वेट की। तो जो नॉर्मली बेबी अपने टर्म पे जो होता है, टर्म का मतलब होता है जब 37 to 40 weeks जो मेजर होता है उसमें जो बेबी होता है उसका वेट नॉर्मली 2.5 kg से लेके 4.5 kg तक हो सकता है। अगर 2.5 के नीचे है तो उसको स्मॉलर देन नॉर्मल बोला जाता है उन बेबीज़ को, एंड 4.5 से ज़्यादा है तो उन्हें लार्जर देन नॉर्मल बोला जाता है। बेसिकली अगर लार्जर देन नॉर्मल होता है बेबी, तब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सी सेक्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, उसको डिलीवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मदर एंड द डॉक्टर। ऑलराइट, बर्थ वेट अगर 2.5 kg से कम बच्चा है, पैदा हुआ है, तो उसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं, स्मॉलर देन द नॉर्मल जैसे हम कहते हैं। ये कब कब हो सकता है, इसके चांसेस क्या क्या हैं? पहला तो प्री मेच्योर बेबी अगर हो रहा है, टाइम के थोड़ा पहले हो रहा है तो हो सकता है। इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जिसको हम IUGR कहते हैं, यानी यूट्रस के अंदर ग्रोथ का ज़्यादा स्कोप नहीं था बच्चे को, तो बच्चा बढ़ नहीं पाया, इसलिए उसका वज़न कम रह गया। ठीक है, तो ये सब NICU में टेम्परेचर कंट्रोल बेड के साथ और स्पेशल फीडिंग के साथ टैकल किया जा सकता है। तो अगर आपकी बेबी का, वैसे भी जब डॉक्टर्स ना बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पास यू नो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कुछ टाइम के लिए, एंड मॉम एंड बच्चा दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं कम से कम 24 घंटे के लिए, टू मेक श्योर कि जब बेबी जा रहा है बाहर तो वो हेल्दी कंडीशन में जा रहा है। क्लियर? तो अगर तब डॉक्टर्स को लगता है कि वेट कम है तो उसे NICU में रखेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रॉपर स्पेशलाइज्ड फीडिंग मिलेगी, कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल बेड मिलेगा, और उसको जल्द से जल्द यू नो थोड़ा सा नॉर्मल वेट में लाने की कोशिश की जाएगी। सो अपने डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़, हम सब जानते हैं बच्चों का जो वेट गेन है ना, वो उनके डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी होता है, इसलिए डॉक्टर्स बच्चों के पैदा होने के बाद तुरंत उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देते और अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ऑलराइट, सो हेल्दी न्यू बॉर्न को, मतलब अगर आप देखोगे कि छोटा बच्चा है एंड उसने वेट लूज़ किया, कि ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि शिवन्या में शायद हमने इस बात पर फोकस नहीं किया था, लेकिन माही में जो फर्स्ट वीक मैं उसको लेकर गई डॉक्टर के पास, उसको इसके लिए बोला गया था, जॉन्डिस के लिए बोला गया था, लेकिन खैर जॉन्डिस नहीं था, टचवुड, लेकिन जब उसको मैं लेके गई डॉक्टर के पास तो उसका वज़न कम था और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, वज़न कम कैसे हो गया, मैं तो रेगुलरली फीड कर रही हूँ, अच्छे से फीड कर रही हूँ उसको, तो कम कैसे हो गया। तो फिर डॉक्टर ने समझाया कि स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में ना, लाइक 7-10 दिन में वेट लूज़ होना नॉर्मल है, 7% to 10% वेट लॉस होगा, ओके, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बच्चा दो तीन हफ्ते में ना वो वेट जो है अपना वापस से रीगेन कर लेगा, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। क्लियर, 300 ग्राम पर डे के हिसाब से पहले महीने उसका जो वेट है वो बढ़ेगा, 300 ग्राम पर डे के हिसाब से। क्लियर, अब बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा, अगर आप देख रहे हो कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले देखो क्यों नहीं बढ़ रहा। तो सबसे मेन रीज़न जो होता है, मैं यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग का ही नॉलेज है, मेरे दोनों बच्चे कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहे हैं, उन्होंने कभी ऊपर का दूध या बॉटल ये सब कुछ नहीं लिया, तो इसलिए मैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स की बात करूँगी। तो अगर बच्चों का मतलब ये नहीं बढ़ रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है 2 हफ्ते बाद भी, तो क्या वजह हो सकती है? पहला, ब्रेस्ट फीडिंग इनफ नहीं है उनके लिए, लाइक आप जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हो उसको, उनसे उनका पेट नहीं भर रहा है, तो हो सकता है आपका मिल्क सप्लाई कम है, राइट? वो आप थोड़े थोड़े देर के लिए करा रहे हो, जल्दी छुड़ा दे रहे हो, बच्चा थक के सो जा रहा है तो ठीक से ले नहीं पा रहा, वो ठीक से लैच नहीं कर पा रहा। जब बच्चे ठीक से लैच नहीं कर पाते हैं ना, मतलब एरोला के साथ अगर अच्छे से पकड़ के चूसते नहीं है ना दूध को, तो क्या होता है, बच्चे थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, वो थक जाते हैं और वो सो जाते हैं, वो पूरा अपना पेट भरते ही नहीं। क्लियर, तो ये रीजंस की वजह से बच्चों का वज़न जो होता है वो कम होने लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है, बच्चा बहुत बीमार लग रहा है, बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सो रहा है, तब आपको अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वो आपको हेल्प करेंगे कि आप फीड कैसे कराओ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मिल्क सप्लाई में प्रॉब्लम है या मिल्क सप्लाई सही है, बच्चा लैच नहीं कर पा रहा है, जो भी है वो पता करके आपको अच्छे से बता पाएंगे, तो प्लीज़ ट्रस्ट देम, ओके? अब मैं कुछ टिप्स की बात करूँगी जिससे आप बच्चों का, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों का वेट बढ़ा सकते हो। तो आप ऊपर से कुछ खिलाने नहीं वाले हो बच्चों को,
कोई दवाई नहीं, कोई सिरप नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। माँ अपने डाइट का पहले ध्यान दे, ये बात ना मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि कल एक ही दिन की बात है, कल जीतिया हमारा जो व्रत होता है जो माएँ बच्चों के लिए करती है, मैं भी शिवन्या के लिए मैंने स्टार्ट किया था और अब शिवन्या और माही के लिए करती हूँ। सो उसमें क्या हुआ था, मेरे को पूरे दिन ना खाना खाना था ना पानी पीना था, तो दिन तो पूरा कट गया आराम से, उसका पेट भी भरता रहा क्योंकि अफकोर्स इतने दिनों से जो मैं खाते आई तो दूध तो बना ही होगा, तो उसने आराम से खाया पिया सोया। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह जब मुझे पारण करना था, पारण करने को व्रत तोड़ते हैं ना हम लोग सुबह सुबह उठ के, तो जब वो करना था ना तब माही को बहुत तेज़ भूख लग गई एंड मेरे से दूध ही नहीं निकल रहा था और वो बहुत परेशान हो गई थी और वो बहुत रोने लगी थी। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मम्मी ने कहा था, मेरी मम्मी ने कहा था कि इस टाइम तुम हाथ जोड़ लो, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ना भगवान जी का है एंड बच्चे के लिए करना है तो रिस्क नहीं लेते हैं, करते हैं। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये गड़बड़ कर दी मैंने, उसको बहुत परेशान हो गई थी वो। उसके बाद जब मैंने पारण कर लिया, कुछ खाया, दूध पिया पूरा आराम से, उसके बाद थोड़ी देर रुकी हूँ, तब तक उसको चुप करा रहा, वो बेचारी अनकंट्रोल तरह से रो रही थी, और फिर जाके जब उसने दूध पिया तो वो रिलैक्स होके सोई है एंड वो पूरे दिन पूरे दोपहर बहुत आराम से सोई है। तो उस टाइम पे मेरी एक गलत डिसीजन की वजह से, मतलब ठीक है भगवान जी हेल्प करेंगे, बट गलत डिसीजन की वजह से बाबू मतलब माही को बहुत परेशानी होनी पड़ी। इसलिए माँ का डाइट बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अच्छा खाना खाते रहो, थोड़े थोड़े इंटरवल में खाते रहो, आप भूखे नहीं रहने चाहिए, दूध का सप्लाई नहीं होगा ठीक से, इसलिए आपको रेगुलर इंटरवल में खाना बहुत ज़रूरी है, आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, दूध पीना, ये सब अपने डाइट का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपरली फीड कराओ, उसके लिए आपको प्रॉपरली लैच कराना ज़रूरी है। अब हम ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं ना कि सिर्फ निपल फीडिंग, तो इसलिए प्लीज़ सिर्फ ऊपर का जो निपल का पार्ट होता है ना उसको ना देके पूरा ब्रेस्ट उसके मुंह में दो ताकि वो अच्छे से दूध पी पाए। हर सेशन में ना जब भी आप उसको दूध पिला रहे हो आराम से बेबी को दूध पिलाओ, ऐसा नहीं कि कोई काम है। आई अंडरस्टैंड, ये बहुत बार होता है कि यार दो मिनट छोड़ दो मेरे को कुछ काम है मैं करके आती हूँ, उससे क्या होता है बच्चे का लैच टूट जाता है, बच्चे का वो फ्लो जो होता है ना वो टूट जाता है, फिर वो जल्दी पीता नहीं, राइट। तो आप जब भी बच्चे को पिला रहे हो ना एकदम रिलैक्स होकर पूरा टाइम देके उसको पिलाओ, फिर वो आधा घंटा लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है, लगने दो, लेकिन बच्चे का पेट भरने दो, जो वो खुद दूध छोड़ दे, थोड़ी देर रुको फिर देने की कोशिश करो, अगर वो नहीं ले रहा है दैट मीन्स उसका पेट भर गया, तब आप छोड़ सकते हो, ऑलराइट। उसके बाद प्रॉपर स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों को अच्छे से मसाज दो ताकि वो ना रिलैक्स होके सो पाए, अच्छा उसका साफ़ सुथरा जगह रखो, साइलेंट माहौल रखो जिससे वो आराम से, एकदम साइलेंट माहौल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन शोर शराबा मत रखो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ माही वहाँ सोई है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से अपना सोई हुई है, ठीक है, तो मैं एकदम साइलेंट माहौल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको प्रॉपर स्लीपिंग की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अच्छा सोएंगे, खाना पचेगा, फिर वो अच्छे से खाना खाएंगे, फिर मतलब दूध पिएंगे, फिर सोएंगे, क्लियर। पेसिफायर नहीं देना यार, वो जो पेसिफायर दिया जाता है ना बच्चों को कि वो चूस रहे हैं, बार बार दूध मांग रहे हैं, इससे अच्छा पेसिफायर दे दो, इससे क्या होता है, पहली बात तो जब वो पेसिफायर लेते हैं ना तो उसी को चूस चूस के बच्चा थक जाता है, फाइनली वो दूध जब पीने की बारी आती है तो वो ठीक से नहीं पी पाता। इसलिए हमें पेसिफायर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली 0 to 3 तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पेसिफायर दो, उसके आगे आपको जो वो दांत आ रहा है थोड़ा उसमें अगर देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। हिंड मिल्क तक पहुंचने दो। हिंड मिल्क का मतलब क्या होता है, देखो दूध जो होता है ना माँ के ब्रेस्ट से, पहले 4 मिल्क होता है जिसमें सिर्फ पानी 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 आता है, लिक्विड होता है, बाकी पूरा लिक्विड ही होता है लेकिन उसमें मैक्सिमम पानी होता है। अब बोर्ड की इसके बाद आता है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क ही गाढ़ा क्रीमियर होता है, इसी में सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो उसको वहाँ तक पहुँचने दो। अक्सर हम क्या करते हैं, उसने 4 मिल्क पिया और हम उसी में तुड़वा देते हैं, हम हिंड मिल्क तक पहुँचते हैं तो उसका पेट नहीं भरता, तो थोड़ी देर बाद वो फिर भूखा हो जाता है, तो हमें क्या करना है उसको पूरा अपना जो कोर्स है ना वो ख़त्म करने देना है, ऑलराइट। तो इन टिप्स के साथ आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों का वज़न जो है बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद मॉम। हमारे जो भी यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं या यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट बोलती हूँ वो मैं कंप्लीट रिसर्च करके एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डॉक्टर की बातों को लेकर ही बोलती हूँ, इसमें से कोई भी हमारे मन घड़क कहानियाँ नहीं होती हैं। सो यू कैन ट्रस्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद मॉम। कीप वॉचिंग।